हाँ बच्चों, तो आज देखना है, आज ऊर्ज फिटिंग या ऊर्ज अभिक्रिया देखेंगे। ऊर्ज अभिक्रिया में क्या होता है कि दो एल्किल हैलाइड एन ए सोडियम की उपस्थिति में सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके एल्केन का निर्माण करते हैं। प्लस ट्वाइस एन ए एक्स, ये हो गया आपका एल्किल हैलाइड और ये हो गया एल्केन। तो ऊर्ज अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जिसमें दो एल्किल हैलाइड आपस में क्रिया करते हैं सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में और एल्केन का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है ऊर्ज अभिक्रिया। जैसे ट्वाइस एन ए प्लस आई सी एच थ्री और सोडियम क्रिया करेगा प्लस सोडियम इक्वल टू सी एच थ्री, सी एच थ्री हो जाएगा एथेन हो गया प्लस दो एन ए सोडियम आयोडाइड। ये आयोडीन, ये दोनों सोडियम की जो संयोजकता होती है एक होती है, आयोडीन की संयोजकता भी एक होती है। तो दो सोडियम एक एक आयोडीन से मिलकर एक ठो सोडियम आयोडाइड बना लेता है और एथेन हो जाता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब कार्बन चैन की संख्या को बढ़ाना होता है। जैसे यहाँ पे एक कार्बन का एल्किल हैलाइड है, यहाँ पे आपके दो कार्बन बन जा रहा है, दो कार्बन। तो एल्किल हैलाइड के द्वारा एल्केन का निर्माण होता है इसमें ऊर्ज अभिक्रिया में। तो ऊर्ज अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें एल्किल हैलाइड क्रिया करके शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया करेगा, सोडियम से क्रिया करके एल्केन का निर्माण करता है। तो वह प्रक्रिया आपका कहा जाता है ऊर्ज अभिक्रिया। इसी प्रकार इसी से संबंधित इसमें तीन अभिक्रियाएँ होती हैं, जैसा एक तो ये है और एक और अभिक्रिया है जिसे ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा इसमें है और दूसरा क्या है, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया, या ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। इसमें आ जाएगा प्लस ट्वाइस एन ए आई। तो ऊर्ज फिटिंग इसमें क्या है, दोनों एल्किल हैलाइड है, मतलब दो अणु। अब इसमें देखो वो होता है एल्किल हैलाइड दोनों रहेगा, और ऊर्ज फिटिंग में क्या रहेगा, एक एल्किल हैलाइड रहता है और एक एरिल हैलाइड रहता है। मतलब एल्किल हैलाइड एरिल हैलाइड सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अगर क्रिया करता है तब उसको कहा जाता है ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया में क्या होगा, आर एक्स प्लस ट्वाइस एन ए प्लस आर एक्स ए आर, ये आपका बनेगा शुष्क ईथर में। तो क्या हो जाएगा, ए आर आर प्लस ट्वाइस एन ए एक्स हो जाएगा, या ये हो गया एल्किल हैलाइड और ये हो गया एरिल हैलाइड। जैसे या C6H5I प्लस ट्वाइस एन ए प्लस CH3I, ये अभिक्रिया हो रहा है शुष्क ईथर में, ये C6H5CH3 प्लस ट्वाइस एन ए आई, या इसको
इस प्रकार भी दिखाया जाता है संरचना में CH3, मतलब टालुइन बनाएगा, टालुइन टालुइन हो जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, ये आयोडो बेंजीन, और ये है मेथिल आयोडाइड। तो अब इसमें क्या है कि मतलब वुड्स फिटिंग अप्रिया में एक एल्किल हैलाइड रहेगा, एक एरिल हैलाइड रहेगा, जबकि वुड्स अप्रिया में दोनों और एल्किल हैलाइड होते हैं। तो यहाँ पे टालुइन का निर्माण होता है, मतलब दो वुड्स फिटिंग अप्रिया वह अप्रिया होता है जिसमें एक एरिल हैलाइड और एक एल्किल हैलाइड आपस में क्रिया करते हैं सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो वह प्रक्रिया आपकी कही जाती है वुड फिटिंग अप्रिया। अब एक अप्रिया और इसी प्रकार होता है जिसमें दोनों अणु अगर एरिल हैलाइड हैं, दोनों अणु अगर एरिल हैलाइड हैं तो उसे फिटिंग अप्रिया कहा जाता है, फिटिंग अप्रिया। तो जैसे ये है फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें दो अणु एरिल हैलाइड सोडियम की उपस्थिति में या सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं और डाइफेनिल का निर्माण करते हैं, तो वह प्रक्रिया जो है फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। जैसे C6H5I+2NA+I, या तो इसी को दूना कर दिया जाए, ये हो गया शुष्क ईथर, तो C6H5+2NaI बनता है। ये हो गया आयोडोबेंजीन, ये हो गया डाइफेनिल। फेनिल शुष्क ईथर की उपस्थिति में होता है। तो फिटिंग अभिक्रिया, इसमें तीन अभिक्रियाएं हो गई, एक वुड्स फिटिंग वुड्स फिटिंग और वुड्स अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया। मतलब इसमें फिटिंग अभिक्रिया में दोनों अणु आपका एल्किल हैलाइड एरिल हैलाइड रहेगा, और वुड्स अभिक्रिया में दोनों अणु एल्किल हैलाइड रहेगा, और उसके बाद वुड्स फिटिंग में दोनों रहेगा। तो ये प्रक्रिया मतलब वह अभिक्रिया जिसमें आयोडोबेंजीन या एरिल हैलाइड का दो अणु सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके डाइफेनिल बनाता है, तो उसको कहेंगे वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। अब इसमें एक बार तीनों को पार्ट में देख लिया जाए। देखो पहला, ये तीसरा है, तीसरा था, पहला क्या था, वुड्स अभिक्रिया, वुड्स रिएक्शन में था कि दो अणु RX+ सोडियम इक्वल टू शुष्क ईथर एक्स बनेगा, और दूसरा क्या है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन में दोनों का समावेश होता है, एक ठो RX होता है प्लस ARX प्लस ट्वाइस NA इक्वल टू शुष्क ईथर, इसमें AR+2NaX बनता है। या ऐसे कर सकते हो C3I+C6H5I+2NaI, ये बनाता है आपका C6H5I
पाई नहीं, सी सिक्स एच फाइव सी एच थ्री प्लस ट्वाइस एन ए आई। इस प्रकार की अभिक्रिया है, मतलब वुड अभिक्रिया में दोनों एल्किल हैलाइड हैं, दोनों एल्किल हैलाइड एल्केन बनाएंगे, और वुड फिटिंग अभिक्रिया में एक एल्किल हैलाइड रहेगा, एक तो एरिल हैलाइड। ये है एल्किल हैलाइड और ये है एरिल हैलाइड, मिलकर आपका एल्केन एरोमेटिक यौगिक बनाएगा। ठीक, और इसमें क्या था, ऊर्जा अभिक्रिया में फिटिंग में दोनों का समावेश रहेगा, फिटिंग में दोनों जो है एरोमेटिक का हैलाइड होते हैं। तो इस प्रकार तीन अभिक्रिया होती हैं, फिटिंग से एक एक तरह की हैं लगभग। ऊर्जा अभिक्रिया में दोनों एल्किल हैलाइड से, सोडियम की से अभिक्रिया होगा शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ऊर्जा फिटिंग में एक एल्किल हैलाइड रहेगा, एक एरिल हैलाइड रहेगा, सोडियम से अभिक्रिया करेगा शुष्क ईथर की उपस्थिति में। और फिटिंग जो तीसरा प्रकार है उसमें दोनों आपका एरिल हैलाइड होता है, बेंजीन का हैलाइड रहेगा, तो वो सोडियम से अभिक्रिया करता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो तीनों अभिक्रियाएं जो है एक तरह की हैं लगभग, बस उसमें थोड़ा सा उत्पाद बदलता है।